फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 3 से 4 साल तक की बच्ची के लिए फ्रॉक। तो इसके लिए हमने कपड़े के ये 2 पीस लिए हैं जिनकी विड्थ है 30 इंच और लेंथ भी 30 इंच ही है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे हम कोने से कोना मिलाकर इस तरह से। ये हमारी ओपन साइड है और ये वाली हमारी बंद वाली साइड है। तो ऊपर से हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए 5 इंच पर और आर्म होल भी हम 5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब चेस्ट साइज जितना होता है उसे 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1.5 हम प्लस कर देंगे। तो इधर से मैं ले रही हूँ 7.5 इंच पर, ऊपर से अब एक निशान लगाएंगे हम 9 इंच पर और इधर लाइन सीधी खींच देते हैं। ये हमने 9 इंच पर निशान लगाया है जहां हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। ऊपर हमने 7.5 लिया था तो इधर हमें 1/2 इंच कम लेना है, 7 इंच। इस निशान को इस निशान तक मिला देंगे, इधर गोलाई दे देते हैं। अब इधर से लेकर कोने तक हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें लेंथ लेनी है फ्रॉक की, तो मैं 24 इंच लेंथ लूंगी। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, 1/2 इंच तो ऊपर और 1/2 इंच हमारा नीचे सिलाई में चला जाएगा। तो हमें ये फ्रॉक तैयार करना है 24 इंच का। इसी तरह से 24 इंच पर ही निशान लगाते हुए गोलाई दे देंगे और इंच टेप को ऊपर उसी साइड रखना है, उसे नहीं घुमाना हमें। अब इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे तो 2 इंच में इधर से ले रही हूँ और गहराई लूंगी मैं इसकी 2.5 इंच। दोनों गले में एक ही साथ कट कर रही हूँ, इधर गोलाई दे देंगे और ये हमारा फ्रॉक का निशान लगकर तैयार है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमें एक पार्ट को उठाना है अलग से, इसे अच्छे से सेट कर लेंगे कपड़े को। और जिधर हमारा गला है उधर की साइड हमें 2 इंच पर एक निशान लगाना है, इधर की साइड। और 2 इंच पर निशान लगाने के बाद इधर कट लगाना है हमें। तो ये हमारा अगले वाला पार्ट है। अब एक छोटा सा पीस लेंगे कपड़े का और जहाँ तक हमने कट लगाया है उधर तक ही इस कपड़े में भी कट लगाना है। अब इसे सील देंगे जहाँ हमने कट लगाया था और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो ये बना लिया हमने सील कर, इसे तैयार कर लिया है। ये हमारा अगले वाला पार्ट है। अब पिछले वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे
और आपस में दोनों को हम जोड़ देंगे। अब हम गले पर एक तिरछी पट्टी सी लेंगे इधर से इधर तक, और सीलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से छोटे छोटे कट के निशान लगा देंगे और फिर कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। लेकिन हम पूरा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे, हमें बाहर की साइड एक पतली सी पाइपिंग रखनी है, तो हमें हाफ कपड़ा ही फोल्ड करना है इस तरह से। तो बाहर की साइड ये पतली सी पाइपिंग दिखाई दे रही है और पूरे पर एक सिलाई लगा देंगे पाइपिंग निकालते हुए इस तरह से। तो ये हमने पाइपिंग निकाल कर तैयार कर ली है। चाहे तो हम पूरा कपड़ा भी फोल्ड कर सकते थे। अब दोनों को एक दूसरे के साथ हम सील लेते हैं, अगले वाले पार्ट को भी और पिछले वाले पार्ट को भी। तो एक सिलाई लगाएंगे हम इधर की साइड, कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे, इधर से इधर तक सील देंगे, और दूसरी साइड भी। हमने दोनों साइड इसकी सील ली है, इधर की साइड भी। अब नीचे से हमें हाफ इंच का कपड़ा फोल्ड करना है अंदर की तरफ और एक सिलाई लगा देनी है पूरे पर, घेरे पर, क्योंकि हमने 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था। अब हम बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 पीस लिए हैं जिनकी विड्थ भी 12 इंच है और लेंथ भी 12 इंच है। इसे एक बार फोल्ड कर लिया फिर, और दोबारा से फिर फोल्ड कर लिया है। अब इसकी 8 लेयर हो गई हैं। ये हमारी ओपन साइड है और ये वाली हमारी बंद वाली साइड है। तो हमें जितनी बाजू की लेंथ रखनी है उतने पर निशान लगाएंगे। तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इंच टेप को घुमाते हुए इधर गोलाई दे देंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे हम। हमें इतनी लंबी बाजू चाहिए। अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो कपड़े को हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इस तरह से ये गोल शेप में हमारी बाजू कट हुई हैं। अब फोल्ड करने के बाद बीचों बीच एक निशान लगा देना है, बिल्कुल सेंटर में। अब पहले हम अपने फ्रॉक लेते हैं और इसे नाप लेंगे इंच टेप से। तो ये हमारा नापने के बाद हुआ 6 इंच। तो इतनी हमें बाजू चाहिए सिलाई के लिए। अब इधर से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे एक साइड। बीचों बीच हमने इंच टेप रखा है 3 इंच, और इधर बीच में हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच। एक साइड में ही हमें रखना है इंच टेप। अब इसे गोलाई दे देते हैं। तो एक साइड तो हमारी बाजू की लेंथ कम होगी और एक साइड हमारी ज़्यादा होगी। ज़्यादा वाली साइड हमारी ऊपर वाली है और नीचे वाली साइड है जो वो कम वाली है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि दोनों बाजुओं को मैंने नीचे की साइड से फोल्ड किया और एक एक सिलाई और लगा ली है, जिस तरह से हमने घेरे पर लगाई थी। अब एक एक निशान हमें और लगाना है दोनों बाजुओं पर, जिससे कि हमें पता चले कि हमें फ्रॉक में बाजू कहाँ से सीलनी शुरू करनी है। तो ये हमारा कम वाला पार्ट है और ये वाला हमारा ज़्यादा वाला पार्ट है। तो हमें जो कम वाला पार्ट है वो हमें इधर से शुरू करना है, नीचे की साइड से इधर से, और ज़्यादा वाला पार्ट हमें ऊपर की साइड सीलना है। तो हम दोनों बाजुओं को इसी तरह से सील लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये दोनों बाजू हमने सील ली हैं, ये है हमारा कम वाला पार्ट और ये है हमारा ज़्यादा वाला। अब हम गले पर एक डोरी बनाएंगे पतली सी और इसे सील लेंगे और इधर एक बटन लगा देते हैं, चाहे तो इसे खुला भी रख सकते हैं। और ये हमारा बेबी फ्रॉक बनकर तैयार है।